संयुक्त भारत में पहली बार है कि प्यार यानी लिविंग रिलेशनशिप में कोई कानून बना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो पूरे भारत में पहली बार उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, जिसके साथ उत्तराखंड पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। अगर कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें जिले के रजिस्ट्रार के सामने इस बात को डिक्लेयर करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हो तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। लिविंग रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसके हितों का संरक्षण करना होगा और उसे माता पिता का नाम भी देना होगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत भी जा सकती है और गुजारा भत्ता की मांग भी कर सकती है। अगर 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। अगर कोई लड़का लड़की बिना सूचित किए एक महीने से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की सजा या 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।